नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 16 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए आप, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल डिस्कशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर दिया था। कुमारी गोल्डी गोल्डी, अशरफ जयान, करण कुशवाहा, रश्मि मौर्या, ममता कुमारी, श्रीन अंसारी, गुनेंदर साहू, गरिमा मिश्रा इंक्लूडिंग ड्रीमर्स, राहुल शर्मा, नेहा सिंह, कुणालकर सिंह, कृष्णा कुमार चौबे, गरिमा मिश्रा, अनिल टंडन, सोनू कुमार, मोनिका कुमारी, पीके प्रोडक्ट चैनल, अफसानी, मोनिका विश्नोई, रविंदर कुमार टिरके, रोशन कुमार, सर्वेश काजी, विकास बागरी, मोनिका विश्नोई, रविंदर कुमार टिरके, गरिमा मिश्रा, आयशा तनु, श्रीन अंसारी, गिरेंद्र साहू, रश्मि मौर्य, रजत साहा, दीक्षा मेहता, महेश चंद और एमबी साइन। तो ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कल वाले डिस्कशन का आंसर दिया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टोटल भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है? ठीक है, आपको ये आंसर बताना है कि टोटल भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, और सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो कौन सा राज्य बनाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, 2021 के जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है इसकी दो वीडियो अभी तक अपलोड हो गई है। ये पहली वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2022 को किस राज्य में तिरुवल्लूर दिवस मनाया गया? देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा समझने लायक है नहीं, बस आप आंसर याद रखेगा, यह है तमिलनाडु, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनेगा। असम की बात करें, असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना स्टार्ट की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। बात तमिलनाडु की हुई है तो लोकेशन देखें पहले आप इसकी, ये है तमिलनाडु। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जिसे मद्रास हाई कोर्ट भी कहा जाता है। मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क। अब लेक की बात करें, पुलिकट लेक ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगा नलूर लेक। तो ये थी तमिलनाडु की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज 60 से 62 वर्ष कर दिया है? मतलब पहले 60 थी, अब 62 कर दिया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था। उत्तराखंड भारत का एकमात्र यानी पहला ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन पांच राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। हैदराबाद में इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। YS जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। देखो, ये देश की लेटेस्ट हाईकोर्ट है और 25वीं हाईकोर्ट है। पूरे भारत में अभी तक 25वीं हाईकोर्ट है और 25वीं हाईकोर्ट अमरावती है।
प्रशांत कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश हैं। 13 जिले हैं लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोला पड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक की बात करें, पुलिकट लेक, अभी हमने पीछे भी डिस्कशन में कवर किया है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, कोलिरू लेक और कुम्बम लेक। तो ये थी आंध्र प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। जनवरी 2022 में किसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई, तो ये किसके द्वारा जारी की गई, ये की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं, जैसे इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में, ठीक है। इसका जो वो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये है वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर। ये है क्या, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट है ये है डेविड मालपास, ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में भारत की GDP कितनी होगी, तो ये होगी 6.5%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है, तो ये उड़ीसा ने बढ़ा दी है। बी ऑप्शन उड़ीसा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये है उड़ीसा का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये उड़ीसा का और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये हमने कल डिटेल के साथ कवर की थी, इसे आप अब खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, जैसे 12 जनवरी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है। छठवें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 15 जनवरी। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक एक नई पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य है, यानी 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा हुआ ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF ढाका में कई स्थानों पर 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20वां। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये 20वां एडिशन है। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है, तो ये कौन सा राज्य है, हरियाणा। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हरियाणा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, तो ये केरल का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरल। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था, और केरल की सरकार ने ही स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने ही वन आई ए एस स्कीम इसको स्टार्ट किया, और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये भी केरल से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरल। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कजाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 करने का निर्णय लिया है, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। 5वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत इसमें 83 रैंक पे है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 3rd क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राज्य में मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 5.95 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4th क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 5वां क्वेश्चन, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है और ये कौन सा एडिशन है, ये भी आपको बताना है। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन किस राज्य में है।
तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।